हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई नाथसिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। नाथसीवाद जर्मनी में क्यों लोकप्रिय हो गया था। डिस्कस शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। साल 1919, हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ था। कुछ दिन बाद इस पार्टी का नया नाम हो गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाथसी पार्टी। हिटलर की वाक्पटुता के कारण कम समय में हिटलर इस पार्टी का नेता बन गया। हिटलर की वाक्पटुता के कारण असंतुष्ट लोग इस पार्टी के बैनर तले इकट्ठा होने लगे। 1929 के महामंदी, मित्र राष्ट्रों को दिए गए मुआवजे और अन्य कारणों से जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पार्टी के घोषित लक्ष्यों और कार्यसूची से आकर्षित होकर बेरोजगार युवा, पीड़ित किसान और जर्मन व्यापारी नाथसी पार्टी में शामिल हो गए। इस प्रकार नाथसी पार्टी की लोकप्रियता और शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। हिटलर के साथ साथ नाथसी पार्टी की सफलता के कारणों के बारे में इतिहासकार अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। इन सभी जटिल बहसों में गए बिना हिटलर की सफलता के कारणों पर सामान्य शब्दों में चर्चा की जा सकती है। नाथसिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930 ड्यू टू मेनी रीजंस। नंबर वन, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एलाइड पावर ने जर्मनी को दोषी ठहराया था और वर्सा ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर किया था। जर्मन सरकार ने वर्सा ट्रीटी साइन किया था। वर्सा ट्रीटी के तहत जर्मन मेनलैंड का एक हिस्सा एलाइड पावर को देना पड़ा। जर्मनी का जो ओवरसीज कॉलोनीज है वो भी बेदखल हो गया था और जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड कॉम्पेंसेशन देने के लिए फोर्स किया था। कॉम्पेंसेशन ना देने की वजह से एलाइड आर्मी ने जर्मनी का शिल्प समृद्ध राइनलैंड कैप्चर कर लिया था, जिसके वजह से जर्मनी के सामने और समस्या बढ़ गई थी। नंबर टू, फेलियर ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक व्यर्थ हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक नया था और वो इतना मजबूत नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था उस सिचुएशन को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाया था, क्योंकि जर्मन सरकार उस समय बेरोजगारी, इसके अलावा हाइपर इन्फ्लेशन और आर्थिक स्थिति को सुधारने में नाकाम रहा, जिसके वजह से जर्मन पीपल ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी की जताई और नाथसीवाद पॉपुलर हुआ। एडोल्फ हिटलर नाथसीवाद को प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने वाइमर रिपब्लिक को सबसे पहले दोषी ठहराया और उन्होंने जर्मन लोगों को भरोसा दिलाया नाथसी पॉलिटिकल पार्टी जर्मनी में पावर में आने के साथ साथ जर्मन का जो पुराना डिग्निटी है, पुराना गौरव वापस आएंगे। नंबर थ्री, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जर्मन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए थे और हारने के बाद जर्मनी का आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गया। उसके साथ साथ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, विश्व आर्थिक महामंदी का जो असर था वो जर्मनी को बहुत ज़्यादा हिट किया था, क्योंकि पहले से जर्मनी का आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं था। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जर्मनी का जो कारखाना बंद होने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ गया और साथ साथ जो मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ साथ दाम आसमान छूने लगी और इस स्थिति को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाया था वाइमर रिपब्लिक सरकार ने, तो जिसके वजह से नाथसी पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था जर्मनी में। नंबर फोर, हिटलर्स पर्सनैलिटी। नाथसीवाद जर्मनी में लोकप्रिय होने की वजह से हिटलर्स का पर्सनैलिटी भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हिटलर एक अच्छा वक्ता थे। हिटलर का वाक्पटुता लोगों का दिल जीतने के लिए सफल रहा, जिसके वजह से नाथसी पॉलिटिकल पार्टी जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। जर्मनी में नाथसीवाद लोकप्रिय होने के पीछे हिटलर्स पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अहम था। नंबर फिफ्थ, नाथसी ऑर्गेनाइजेशन। नाथसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत था, क्योंकि नाथसी पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गांव-गांव तक फैला था और पार्टी कार्यकर्ता बहुत अच्छे तरीके से पार्टी का प्रचार किया था। इस तरह नाथसी पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था जर्मनी में। नंबर फिफ्थ, नाथसी प्रोपागेंडा। नाथसी प्रोपागेंडा यूनिक था।
और इस प्रोपागंडा यानी कि प्रचार प्रसार का जो पावर था काफी अच्छा था। नाथसी प्रोपागंडा यानी कि नाथसी प्रचार कौशल नाथसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकप्रिय करने में अहम भूमिका निभाया। तो ये था जर्मनी में नाथसी पॉलिटिकल पार्टी लोकप्रिय होने का कारण। तो आइए देखते इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह लिखना है। डिस्कस व्हाई नाथसिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। नाथसिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930 ड्यू टू मेनी रीजंस। नंबर वन, इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। After defeat in the First World War, Germany was forced to sign the harsh and humiliating Treaty of Versailles, in which it was made to accept the guilt for the war. The Germans felt disgraced and humiliated. They believed that Hitler would restore Germany to its former glory. Number 2. Failure of the Weimar Republic. During the period of the Weimar Republic, democracy in Germany was relatively new and it was not strong. It did not appeal to the Germans. They wanted a party and a system that would re-establish the glory of Germany. So they were attracted to the Nazi party. Number 3. The Great Economic Depression. The most apparent being the Great Economic Depression. The Weimar Republic did little to remedy the country's economic downfall and Hitler was presented as a savior to the humiliated German people living in the economic crisis. Number 4. Hitler's personality. The powerful speeches of Hitler, in which he sought to build a great nation undo the injustice of Versailles Treaty, restore the dignity of German people and provide employment for all stirred hopes in people. Number 5. Nazi propaganda. Nazi propaganda was unique. Red banners with the swastika, Nazi salute and the round of applause attracted the people, making Nazism very popular. Thus, Hitler and the Nazi party were able to win the support of Germans and so become popular. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।